हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, मैं आज बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल स्वीटीज। आप लोग गेस करिए मैं क्या बनाने वाली हूँ। वैसे आप सब बनाते होंगे, बट मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगी उसी चीज़ को। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को, बताती नहीं मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ओके, देखिए मैं वेजिटेबल्स को भी फ्राई कर रही हूँ। धीरे धीरे मैंने आलू को फ्राई कर लिया है और इसमें ये रात में बना रही है। तो आप सब मुझे कमेंट में बताएं कि आप क्या रात में इतनी मेहनत करके ये सब बनाना खाना पसंद करते हैं। वैसे मेहनत नहीं है, ईजी है, चाहो तो ईजी है, बहुत जल्दी बन जाती है। बस वेजिटेबल्स को फ्राई करो, मसाला फ्राई करो और उसके बाद फटाफट बनाती हूँ। मेरी वेजिटेबल्स भी फ्राई हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, मी एंड माय वेजिटेबल्स आर फ्राइड। कितनी अच्छी लग रही है ना, मन कर रहा है ऐसे ही खा जाऊँ। आप लोगों को भी मन कर रहा है। देखिए मैंने इसे हल्का फ्राई कर दिया है, अब मैं मसाला फ्राई करूँगी। तो चलिए चलते हैं, मसाले को फ्राई करते हैं कढ़ाई में ऑयल गर्म करके। ओके देखिए, मैंने ऑयल में प्याज, लहसुन और तेज पत्ता डाल के फ्राई कर रही हूँ और ये थोड़ा सा मैं हल्का रेड करूँगी। आप सब सोच रहे होंगे कि ये इतने बड़े बड़े प्याज को डाली, बट मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे थोड़ा अलग करना। बाकी हम सब एक जैसा ही बनाएंगे तो फिर कुछ अलग क्या रहेगा, इसलिए थोड़ा सा अलग करना चाहिए, है ना। मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्याज काटा है, तो खाने में बहुत टेस्टी लगे। आप सब देखिए, फिर देखिए मेरा मसाला फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटो। मैंने टमाटर को काट लिया है, अब मैं इसमें डालती हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर अच्छे से फ्राई कर दूँगी। आप सब सोच रहे होंगे मैंने मसाले में क्या क्या डाला। तो मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, जीरा, गोलकी और गरम मसाला, ये सब कुछ पेस्ट कर। ठीक है, आप चाहें तो कुछ स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। फ्रेंड्स देखिए, मसाला फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें अपनी वेजिटेबल्स को डालूंगी और फिर इसे फ्राई करूंगी और थोड़ा सा पानी डालूंगी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने वेजिटेबल्स को डाल दिया है, आलू, बीन, मटर, शिमला मिर्च सब कुछ डाल के मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी मसाले के साथ। मैंने अभी पनीर नहीं डाला है, उसे करने में तो टाइम नहीं लगता है ना, आलू को थोड़ा सा भी टाइम लगता है, इसलिए मसाला के साथ थोड़ा सा पकेंगे, फिर लास्ट में पनीर को डाल दूँगी। ठीक है, तो देखते हैं ये वीडियो, लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स देखिए, मेरी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, एकदम मसाले के साथ लोट पोट हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पनीर और इसे और थोड़ी देर फ्राई करूँगी। फिर आप चाहें तो इसे सूखा भी खा सकते हैं रोटी के साथ या फिर ग्रेवी बनाकर भी खा सकते हैं थोड़ी सी, बट मैं इसमें अब पनीर डालूँगी। ठीक है, देखिए आप लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें पनीर डाल दिया है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। तो गाइस, कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो? अगर आपके पास पनीर कम है या आपको पनीर के साथ वेजीज खानी है, रोटी, सूखी रोटी के साथ, तो आप ये सब्जी बना सकते हो। गाइस ट्रस्ट मी, बहुत बहुत टेस्टी लगती है। मैं इसे थोड़ी देर और फ्राई करूँगी। ठीक है, तो गाइस देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी यम्मी लग रही है, इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है, आप सब देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आया और खाने में तो बहुत ही यम्मी है। तो गार्निश के लिए मैं इसमें अब हरा धनिया डाल देती हूँ।
गैस बहुत अच्छी लग रही है ना। आप लोगों को पता है एक चीज़, मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाला है क्योंकि लाल मिर्च हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। बट फिर भी इसका कलर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आया है। लोग कहते हैं मिर्च से कलर आता है, बट ऐसा नहीं है। हम टेस्टी सब्ज़ी और भी तरीके से बना सकते हैं, है ना। तो गैस देखिए आप लोगों को कैसा लग रहा है कलर, बिल्कुल यम्मी लग रहा है ना। मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत बहुत बहुत, ऐसा लग रहा है कि चिकन है। मुझे चिकन की याद आ गई क्योंकि मेरी फेवरेट है ना चिकन, इसलिए। देखिए बहुत टेस्टी लग रही है। अब मैं बस इसे प्लेट में सर्व करूँगी, है ना टेस्टी। तो इसी बात पे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइस देखिए मेरी सब्ज़ी कैसी लग रही है, टेस्टी लग रही है ना। तो फिर से कह रही हूँ गाइस,